मित्रों, आज के इस वीडियो में आज आपको जानने को मिलेगा कि वह आठ बातें कौन सी है। अगर मनुष्य इन आठ बातों को जान लेता है तो वह मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता। इन आठ बातों को जानना प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। दोस्तों, मैं आपको इन आठ बातों को एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। यह कहानी सभी के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी के पास देवर्षि नारद जी आते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारायण भक्त नारद जी, आज आप हमारे यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न के निवारण के लिए आया हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कहो नारद जी, आपका कौन सा इतना अति आवश्यक प्रश्न आन पड़ा है जिसकी वजह से आप आज हमारे पास पधारे हैं? तब नारद जी कहते हैं कि हे भगवन, मुझे मनुष्यों के कल्याण के लिए आपसे आठ बातें जाननी हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक हो, जिससे कलयुग के प्रत्येक मनुष्य का कल्याण हो सके। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आज आपने सच में संसार के कल्याण हेतु अति आवश्यक प्रश्न किया है। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न की वजह से संपूर्ण धरती लोक के मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। परंतु हे नारद जी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे भगवन, आप उस कथा को कहिए, मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को पूरा अंत तक सुनूंगा और संपूर्ण लोक जगत में विख्यात भी करूंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आज तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कथा सुनाता हूँ। आज की कथा सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और हर एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। साथ ही साथ तुम्हें आज की इस कथा में जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है, वह कौन से कारण है जिनकी वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है, आखिर मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको करने से मनुष्य निर्धन हो जाता है और गरीबी के दलदल में फंसता चला जाता है। अब श्री कृष्ण कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, बहुत पुराने समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही धनवान माध्यम वर्ग का एक किसान रहता था। उस किसान के घर में दो जुड़वा संतानें पैदा हुई थी। उन दोनों जुड़वा संतानों में से एक पुत्र था और दूसरी जो संतान थी वह पुत्री थी। उस किसान ने अपने पुत्र का नाम राहुल रखा और अपनी पुत्री का नाम चित्रा रखा। इधर जब उस किसान की संतानें बड़ी होने लगी, धीरे धीरे जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग्य हो गई, तो किसान को अपने बच्चों की विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है, तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वो अपनी बेटी चित्रा का विवाह कर देता है। वह किसान अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ता है। इस प्रकार से चित्रा अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। उस किसान ने अपने बेटी को विदा करने के बाद वह अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। उसके मन में यह चल रहा था कि बेटी तो मेरी अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहू बेटियों के साथ में रहकर आराम से व्यतीत करूंगा। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। परमात्मा न जाने कब किसको धनवान बना दे और कब किसके लिए गरीबी का द्वार खोल दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब उस धनवान किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह किसान एक बड़ी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है, तो अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता है। परंतु उसके पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उस किसान की धन संपत्ति सारी पिता के इलाज में चली गई। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए उस किसान का पुत्र अब गरीबी के कगार पर आकर खड़ा हो जाता है। परंतु फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है, तो एक दिन वह किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है
और अपने बेटा राहुल से कहता है कि हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए या फिर उस काम का कोई समाधान ना मिले, तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है। परंतु तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैंने तो अपने दिन बहुत ही अच्छे से जिए हैं। इसलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसा लो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर राहुल एकदम चुप हो जाता है। अब राहुल आखिर बेचारा कर भी क्या सकता था, उसके हाथ में कुछ नहीं था। साथ ही अब उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वो तो उसके पिता के इलाज में सारी की सारी पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब राहुल अपने पिताजी से कहता है कि हे पिताजी, जैसा आपके लिए उचित लगे आप वैसा कीजिए। इसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है। परंतु अब शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद राहुल अपने पिताजी का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। राहुल के पास जो कुछ था, खेत खलिहान सब कुछ पिता की बीमारी के इलाज में पहले ही जा चुका था। और अब राहुल के पास जो कुछ भी जमा पूंजी बची हुई थी वह पिता के अंतिम संस्कार करने के बाद प्रीति भोज में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से राहुल अब और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। मित्रों, जब राहुल एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर जाकर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी को बनाकर रहने लगता है। राहुल पहले से ही मेहनती तो था ही, अब वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। और राहुल की बहन चित्रा, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह धनवान बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है। मित्रों, अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, कलयुग का प्रत्येक मनुष्य धन का लोभी होता है, जैसे वो राहुल की बहन। राहुल के पास धन ना देखकर अपने ही सगे भाई से घृणा करने लगी। वह मन में सोचने लगी कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर जमीन सब बिक गया है और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि वह ऐसी हालत में वह मेरे ससुराल आता है तो उसे देख देख कर मेरी देवरानियां और जेठानियां मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक बनाएंगी कि तेरे मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल है। अब ऐसे तो मेरे ससुराल में मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इस कारण से वह चित्रा अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। वह बहन अपने भाई के लिए इतनी निर्दयी हो जाती है कि ना तो चित्रा अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। अब चित्रा के भाई राहुल को धीरे धीरे अच्छी तरह से पता हो जाता है कि अब मेरी प्यारी सी मुस्कान वाली जो बहन हुआ करती थी, वही बहन आज मुझसे नफरत क्यों कर रही है। इसलिए राहुल भी अपनी बहन के ससुराल कभी नहीं जाता है। इस प्रकार से चित्रा तो बड़े ऐसो आराम के साथ में अपनी ससुराल में अपनी जिंदगी गुजार रही थी, परंतु राहुल मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से अपने जीवन के दिनों को काट रहा था। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, ऐसे ही करते करते कुछ साल गुजर जाते हैं। अब चित्रा की भी संतानें बड़ी हो चुकी थीं। कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन राहुल की बहन चित्रा के लड़के का विवाह तय हो जाता है, लेकिन राहुल की बहन चित्रा अपने भाई को निमंत्रण का आमंत्रण नहीं भेजती। जब राहुल को इस बात का पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है, तो इस बात को सुनकर राहुल प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर इस बात की खबर देता है। राहुल की पत्नी का नाम दिव्यानी था। जब राहुल अपनी पत्नी दिव्यानी को यह बातें बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर जाना है, अब राहुल की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है, तो वह इस बात को सुनकर अत्यंत ही खुश हो जाती है। अब वह सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से सही, कम से कम मैं अपनी ननंद से जाकर के मिल तो आऊंगी और उसके घर को देख आऊंगी। दिव्यानी खुश होकर अपने पति से कहती है, हे पतिदेव, मैं आपके साथ में जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या हमारी प्यारी ननद ने हमारे लिए निमंत्रण के लिए आमंत्रण पत्र भेजा है या नहीं।
अपने पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर अब राहुल बिल्कुल ही चुप हो जाता है। अब राहुल अपनी पत्नी दिव्यानी से कहता है कि हे प्रिय, न्योता तो नहीं आया है, पर मुझे यह दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है। परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है कि न्योता आया है कि नहीं, आखिर वह भी तो हमारी बहन का ही बेटा है। तब दिव्यानी अपने पति राहुल से कहती है, हे प्रिय, देखो बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए। राहुल अब अपनी पत्नी दिव्यानी को समझाता है कि हे प्रिय, चित्रा के ससुराल वाले बड़े ही धनवान आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमारे यहाँ पर निमंत्रण भिजवाया हो लेकिन निमंत्रण वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुंचा हो। इसलिए हे प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की कोई भी सोच विचार मत करो और बच्चों को निमंत्रण जाने के लिए तैयार करके मेरे साथ तुम भी बहन के घर के लिए चलो। जब दिव्यानी ने अपने पति राहुल की इन बातों को सुना तब उसने जवाब दिया। दिव्यानी कहने लगती है, हे पिया, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। राहुल ने जब अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनी तो रोहित कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो, मैं अकेला चित्रा के ससुराल के लिए चला जाता हूं। यदि मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानियां और जेठानियां मेरी बहन को ताना मारेगी और कहेंगी कि खर्चा ना हो जाए, इसलिए तेरा भाई नहीं आया। अब इतना कहकर के राहुल घर के अंदर से बाहर चला जाता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब राहुल जो था वह बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था। राहुल के पास चावल और वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अब राहुल अपनी बहन के घर जाने के लिए वह अपने मित्र से थोड़े से पैसे उधार लेता है। अब राहुल ने उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन चित्रा और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर के अपनी बहन के ससुराल के लिए चल देता है। पैदल चलते चलते राहुल को सुबह से शाम हो जाती है। तब वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर के खड़ा हो जाता है। राहुल बेचारा दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बहन चित्रा के आने का इंतजार कर रहा था। तभी चित्रा की जेठानी की नजर राहुल पर पड़ जाती है और वो राहुल को पहचान लेती है। राहुल को देखने के बाद चित्रा की जेठानी जाकर चित्रा से बताती है कि हे चित्रा, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, जाके देख, तेरा भाई तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब चित्रा ने अपनी जेठानी के मुख से ऐसी बातों को सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है कि हे बहन, यदि तुमने मेरे भाई को द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे यह बताओ, मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। अब चित्रा की जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर चित्रा गुस्से से भर जाती है और सभी से नजरों को बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। राहुल जब अपनी बहन चित्रा को अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर के राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद चित्रा अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नजरों से बचाते हुए अपने घर के अंदर सबसे अंदर ले जाती है और पूछने लगती है कि हे भाई, तुम्हारे पास आखिर किसने निमंत्रण भेजा था जो तुम यहां चले आए। तब राहुल कहता है, बहना, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल भुला ही दिया है, परंतु मुझे किसी से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूं। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर के चित्रा कहने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस तरीके से बेशर्मों की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए, यह मेरे लिए बड़े लाज की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत, मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। चित्रा के मुंह से ऐसे कटु शब्द सुनकर वो मजबूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। तब राहुल अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। राहुल कहता है, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहां तुम्हारी बदनामी होगी। मैं तो हमेशा से यही चाहता हूं कि
तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना ना मारे। इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेकर आया हूं। यदि मुझे यह बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी कि तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। मैं तो यह सोचकर आया था कि मेरे भांजे की शादी है, यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को ताने मारेगी। चित्रा को राहुल की बातों को सुनकर गुस्सा जब थोड़ा सा शांत होता है, तब वो राहुल से कहती है, चलो जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती, तब तक इस जगह पर बंद रहना और भूल कर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देख कर लोग कहेंगे चित्रा का भाई तो भिखारी है। जब सभी मेहमानों के लिए भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इस कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन खा करके चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर को चले जाना। राहुल कहता है, ठीक है बहना, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए चला जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे एक विनती है। मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए जो कपड़े लाया हूं, तुम उन कपड़ों को रख लो, उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूं। चित्रा ने अपने भाई से कपड़ों को लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है। राहुल उस कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। इधर राहुल उस कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा था कि मेरी बहन मुझे भोजन खिलाने के लिए लौटकर वापस आती ही होगी, आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। परंतु राहुल को क्या पता था कि वो निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग चुकी है और भाई के लिए भोजन देना भूल चुकी है। राहुल की बहन चित्रा शादी के काम धंधे में इतनी ज्यादा खो जाती है कि अब उसे याद ही नहीं रहता कि मेरा भाई मेरे यहाँ कमरे में बंद है और वह मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। अब जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से राहुल अब छटपटाने लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब राहुल अपनी बहन को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज को कोई भी नहीं सुनता है। चित्रा का घर बहुत बड़ा था। चित्रा ने अपने भाई को सबसे किनारे वाले कमरे में बंद किया था और उधर कोई आता जाता भी नहीं था और चित्रा शादी की रस्मों में व्यस्त थी। इस तरह से राहुल को उस कमरे में पड़े पड़े दो दिन बीत जाते हैं। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, अब इधर राहुल को पत्नी और बच्चों की याद आती है। राहुल सोचता है, यदि यहाँ कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरे पत्नी सहित बच्चों का क्या होगा? मेरे ना होने पर कैसे मेरी पत्नी बच्चों का पालन पोषण करेगी? यही सब कुछ सोचते सोचते और कमजोरी की वजह से राहुल बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से चित्रा की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। जब राहुल के कानों में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, राहुल अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाजा पीटने लगता है। जब चित्रा की जेठानी के कानों में उस दरवाजे को पीटने की आवाज जाती है, तो वो दरवाजे को खोल कर देखती है तो अंदर राहुल को देखकर वह चौंक जाती है और राहुल से पूछने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया है? राहुल इस बात का कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि वह अपनी बहन को उसकी ही जेठानी की नजरों में गिराना नहीं चाहता था। परंतु जब चित्रा की जेठानी ने दोबारा पूछा, तो राहुल झूठ मूठ कह देता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण आज चले जाते। और इतना कहने के बाद राहुल घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकलकर चला जाता है। राहुल बेचारा 3 दिन का भूखा प्यासा था। वह चुपचाप अपने घर की तरफ को चल देता है। अंत में वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है, तो भूख प्यास के मारे उससे ठीक से रास्ते पर चला भी नहीं जा रहा था। उसे एक कदम चलते ही चक्कर आने लगता है। जब राहुल चलते चलते खूब थक जाता है और जैसे ही राहुल का सिर चकराता और वह जमीन पर गिरने वाला होता है, तभी वहां पर कहीं से एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वह बूढ़ी औरत राहुल के गिरने से पहले ही राहुल को पकड़ लेती है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जब कुछ घंटे बाद राहुल को दोबारा होश आता है, तो राहुल स्वयं को एक बूढ़ी औरत की गोद में लेटा हुआ पाता है। वह बूढ़ी औरत एक पंखा लेकर उसको हवा कर रही थी। होश आने के पश्चात राहुल खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद में उस बूढ़ी औरत से कहता है,
हे माँ, तुम कौन हो मित्रों? अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जिस बूढ़ी माँ की गोद में वह बेचारा राहुल लेटा हुआ था, वह बूढ़ी माँ साक्षात देवी माँ थी, क्योंकि राहुल की पत्नी सुशीला रोज उस देवी माँ की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा से, भाव से देवी माँ की भक्ति किया करती थी। इसीलिए जब रोहन चक्कर खाकर के गिरने वाला होता है तो उसी समय पर देवी माँ प्रकट होकर रोहन को संभाल लेती है और रोहन का सिर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती है। जब रोहन को होश आता है तो वह देवी माता के लिए प्रणाम करके कहता है, हे देवी माँ, तुम कौन हो? अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, वह बूढ़ी औरत कहती है, मैं एक दुखिया हूँ और इस जंगल को अपना घर समझकर इस जंगल के बीचों बीच वास करती हूँ। तब राहुल उस बुढ़िया को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहां से चलने लगता है। तभी उस समय पर बूढ़ी औरत कहती है, बेटा तुम भला कहां से आ रहे थे और इधर कहां को जा रहे हो? तब राहुल बताता है, हे माँ, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर गया हुआ था और इधर मेरा गांव है, मैं इधर अपने गांव के लिए जा रहा हूँ। तो बूढ़ी औरत राहुल से कहती है, बेटा यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब राहुल कहता है, पूछो माँ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसा तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन के यहाँ पर शादी थी, तो फिर तुम खाली हाथ कैसे अपने घर जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बच्चों और पत्नी के लिए कुछ नहीं भेजा क्या? तब उस बूढ़ी औरत के मुख से ऐसी बातों को सुनकर के राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राहुल उस बूढ़ी औरत को सारी बात बता देता है। इस प्रकार से राहुल के मुंह से पूरी घटना को सुनने के बाद में वह बूढ़ी माता कहती है, हे पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ और सुनो, यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है, उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं, तुम उस बगीचे में चल कर के पहले कुछ फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने दो दिन से कुछ नहीं खाया है, जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी तोड़कर रख लेना, जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे जब भी तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर के आए हो, तो तुम कह देना, मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं, ऐसा करने से तुम अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। राहुल इस प्रकार से जब बूढ़ी औरत की इन बातों को सुनता है तो वह उनकी बात मान करके राहुल बूढ़ी औरत के बगीचे में पहुंच जाता है। उस बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे, तब राहुल उन वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फलों को तोड़ करके वह अपने थैले में रख लेता है। यह सब करने के बाद में राहुल उस बूढ़ी औरत से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चलने को तैयार होता है। तो वह बूढ़ी औरत राहुल से कहती है, हे पुत्र, जाते समय तुम मेरी इन 8 बातों को ध्यान से सुनते जाओ, ये तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा काम आएंगी। मित्रों अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आपने अभी तक जो कहानी सुनी है कि वह 8 बातें कौन सी हैं जिसे सबको पता होना चाहिए, अब इस कथा में आपको वह 8 जानने को मिल जाएंगी। अब श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से बूढ़ी औरत जो साक्षात देवी का अवतार थी, वह राहुल को 8 बातें बताती है। उन 8 बातों को सुनकर के राहुल अपने घर के लिए चल देता है। जब राहुल फलों से भरे हुए उस थैले को लेकर अपने घर पर पहुंचता है, तब राहुल के छोटे छोटे बच्चे और राहुल की पत्नी राहुल के पास आते हैं और पूछने लगते हैं, पिताजी आप बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? राहुल ने जब अपने बच्चों के मुंह से यह सुना, तब राहुल ने अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा दिया और थैला देने के बाद राहुल घर से बाहर निकलकर चला जाता है। राहुल के जाने के बाद में राहुल की पत्नी जब उस थैले को खोलकर देखती है तो थैले के अंदर का नजारा देखकर राहुल की पत्नी एकदम से हैरान रह जाती है। दिव्यानी थैले में देखती है कि वो थैला पूरा सोने चांदी के रूप में बने फलों से भरा हुआ है। राहुल जो फल लाया था उसमें से कुछ अनार भी थे। जब राहुल की पत्नी ने अनार को फोड़ा तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं। ये सब देख करके राहुल की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। वह भागी भागी अपने पति के पास में पहुंचती है
और अपने पति के पास पहुंच करके अपने पति से कहती है कि हे प्रिय, तुम तो शादी में गए थे और आखिर तुम लेकर क्या आए हो। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर राहुल सोचने लगता है कि मेरे घर वालों को शायद फल पसंद नहीं आए होंगे, इसीलिए मेरी पत्नी मुझसे ऐसी बात पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आना चाहिए था। तब राहुल अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय बहन ने जो कुछ भी भेजा है वह मैंने लाकर तुम्हें दे दिया, अब जो कुछ भी थैले में है उसे ही बच्चों को बांट कर दे दो। तब पत्नी कहती है, हे प्रिय, पहले तुम घर के अंदर चलो और घर पर चलकर देखो तो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर दिव्यानी अपने पति के हाथ को पकड़कर घर के भीतर ले जाती है और अपने पति से कहती है, इसे जरा देखिए तो सही, आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। और इतना कहकर दिव्यानी राहुल के सामने थैले को पलट देती है। थैला पलटते ही अंदर से हीरे मोती सोना चांदी निकलते हैं। दिव्यानी कहती है कि आखिर हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया, उन्होंने फलों में छुपा करके हीरे मोती भेजे हैं। जब यह नजारा राहुल देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि मुझे जो रास्ते में जो बूढ़ी औरत मिली थी वह कोई साधारण औरत नहीं थी, वह बूढ़ी औरत कोई देवी माँ थी। लेकिन इस बारे में राहुल अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बताता है और मन ही मन उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करता है। अब इस प्रकार से राहुल को बहुत सारा धन मिल जाता है। राहुल पहले की तरह फिर से धनवान बन जाता है। कुछ समय बाद राहुल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक अच्छा सा आलीशान महल बनवाता है और बड़ी शानो शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। और सभी नगर के लोग भी राहुल को ऐसा देख करके उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे करके इधर जब राहुल का महल तैयार हो जाता है, जब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शान शौकत हो जाती है, तो एक दिन राहुल की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि हे प्रिय, बहुत ही जल्द सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं, इसलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननंद को मेरे घर बुलाकर लाओ। इसी बहाने से वो अपने नैहर को घूम जाएंगी, इसी बहाने से मैं भी अपने ननंद से मिल लूंगी। राहुल जब अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनता है तो राहुल अपनी पत्नी के कहने पर एक बार फिर से अपनी बहन के ससुराल चल देता है और कुछ समय के बाद ही अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। अब राहुल एक बार फिर से अपनी बहन के उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वो कुछ दिन पहले आकर के खड़ा हुआ था। उसी समय पर चित्रा की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देख करके वह तुरंत ही दौड़ी दौड़ी चित्रा के पास में चली जाती है और चित्रा से कहती है कि हे चित्रा बहन, आज भी तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से इस बात को सुनकर चित्रा कहने लगती है, हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई वाई नहीं है। दरअसल चित्रा ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि चित्रा इस बार भी अपने भाई को वही भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि चित्रा, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं, राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे वो किसी देश का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे सैनिक हैं। तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी खड़ी है, भला एक बार जाकर तो देखो। अब चित्रा ने अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर किसी प्रकार का कोई यकीन नहीं होता है और सच्चाई जानने के लिए अपने भाई को छुप कर देखने लगती है। जैसे ही चित्रा ने अपने भाई के उस रूप को देखा तो अपने भाई के ठाठ बाठ को देख करके चित्रा एकदम चकित रह गई। वह सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था, उसके पास तो पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे, फिर अचानक एकदम से वह इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो राहुल की बहन चित्रा आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद में चित्रा अपने भाई का बड़े ही आदर के साथ अपने घर में बुलाकर ले जाती है और अपने भाई से कहती है, हे भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। अपनी बहन के मुख से इन बातों को सुनकर कि राहुल कहने लगता है कि बहना कोई बात नहीं, उस समय पर हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे, तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। बहन, अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। बहन, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ, अब तुम्हें मेरे साथ में मेरे घर चलना है, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। इतना सुनकर के
चित्रा अब खुशी खुशी अपने भाई के घर पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर के चित्रा अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरीके से जब राहुल की बहन अपने नहर में पहुंचती है तो अपने भाई की शानो शौकत को देखकर एकदम से दंग रह जाती है। वह देखती है कि एक भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर लगे हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। कमला अपने भाई की ऐसी स्थिति को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है और महल में पहुंचने के बाद राहुल की पत्नी भी अपनी ननद की खूब सेवा करती है, 7 दिनों तक अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। राहुल की पत्नी सुशीला को लगता था कि यह सब शानो शौकत हमारी ननंद की वजह से है, अपनी ननद की मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, क्योंकि राहुल ने कभी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की बात नहीं बताई थी, क्योंकि अब राहुल वह जानता था कि यह सब चित्रा की वजह से नहीं, देवी माँ के आशीर्वाद से हुआ है। राहुल की पत्नी दिव्यानी इस बात से अवगत नहीं थी। यह सोच करके दिव्यानी अपनी ननद की खूब ज्यादा सेवा करती है और अपनी ननद का खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब राहुल की बहन अपने ससुराल जाने को तैयार होती है तो राहुल की पत्नी दिव्यानी अपने पति से कहती है, हे प्रिय, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएगी, इसलिए तुम बाजार जाओ और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर राहुल घर से चला जाता है और राहुल एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है, हे मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है, क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोची कहता है, हे सेठ, मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन उसके बनवाने की बहुत कीमत लगेगी। तब राहुल कहता है, अब वह मोची से कहता है, भाई मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूतियां बना दो कि वे जूतियां जब भी मेरी बहन पहनकर चले तो वे जूतियां बारी बारी से, मैं आपको जो ये 8 बातें बताने वाला हूं उन 8 बातें को बोले। इसके बाद मोची को राहुल वह ज्ञान की 8 बातें बताता है जो बातें उसे उस बूढ़ी औरत ने चलते समय बताई थी। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, अब राहुल मोची से कहता है कि हे मोची भाई, अब मैं तुम्हें वो ज्ञान की बातें बताता हूँ। इस प्रकार से राहुल बारी बारी से वे बातें मोची को बताता है। राहुल कहता है कि पहली बात तो यह है कि कहीं मानवता की भूल होती है, अज्ञानता निर्धनता का मूल। राहुल दूसरी बात बताता है, समय भरोसे जो बैठा रहता है सदा गरीब बना रहता है, वह मनुष्य अपना काम बलदलता नहीं तो उसका कभी नसीब आलस में ही बीतता है। तीसरी बात, जो मनुष्य सदा ही परिवर्तनहीन कर्म करता वह भी सदैव निर्धन ही रहता है। चौथी बात यह है कि गरीबी से बड़ा है कोई अभिशाप नहीं है, इसलिए ज्ञान को हासिल करके अज्ञान को दूर करो। पांचवी बात, आप दोष समय को दो नहीं दो, मजबूत कर्म साधना में जुटो और अपनी गरीबी दूर करो। छठी बात इस प्रकार बताता है, कर्म कभी कोई कार्य नहीं करता है, नसीब सदैव भाग्य भरोसे नहीं बैठता है, वह मानव के द्वारा किए गए परिश्रम के भरोसे बैठता है। सातवीं बात इस तरह से बताता है, अज्ञानी पर ही सदा ही प्रेम करें। एक गरीब आदमी गरीबी को बारंबार विजय करने वाला एक विजेता होता है, ज्ञान सदैव हथियार का काम करता है। आठवीं और सबसे आखिरी बात बताते हुए राहुल कहता है कि हे मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूतियां, बस यही बात बोले कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। इधर राहुल मोची से कहता है कि हे मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियां बना दो। जब यह 8 बातें वो जूतियां बोलेगी और जब मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने कैसे पैसे के घमंड में आकर के अपने भाई का ऐसा अपमान किया था। उसे अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, राहुल उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी हुई सोने और चांदी की जूतियां बनवाता है और उन जूतियों को ले जाकर अपनी बहन के लिए उपहार स्वरूप दे देता है। सोने चांदी की जूतियों को देखकर कि चित्रा का चेहरा एकदम खिल सा जाता है। अब चित्रा अपने भाई से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। जब चित्रा अपने ससुराल पहुंच जाती है तो चित्रा की देवरानी जेठानी पूछने लगती है, हे चित्रा, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? तब चित्रा अपनी देवरानी जेठानी तथा अपने सास ससुर और अपने देवर जेठ को अपने भाई के द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है और वह कहती है,
देखो, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से जड़ी हुई, हीरे मोती से जड़ी हुई यह जूतियां दी है। तब चित्रा उन जूतियों को पहन करके चल कर दिखाती है। जैसे ही चित्रा उन जूतियां को पहन करके चलती है तो जूतियां बोलती हैं कि पैसों के बाजार में बदल गई। तहजीब धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब, जब चित्रा इस बात को सुनती है तो उसका सर शर्म से नीचे झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। जब चित्रा का ऐसे लटका हुआ मुंह उसकी देवरानी जेठानी देखती है तो वह पूछती है कि चित्रा आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी? तो चित्रा अपनी देवरानी और जेठानी को सारी बातें बताती है कि हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई के एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था। आज देखो, मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा कर दी है। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है, मैं तो जीना नहीं चाहती। तभी चित्रा की जेठानी उसे समझाने लगती है कि हे बहन, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ, आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ में ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। इसलिए मेरी यह बातें तुम सदा याद रखना। और इस तरीके से चित्रा की जेठानी चित्रा को समझाती है, जिससे अब चित्रा भी प्रेम व्यवहार के साथ सबसे पेश आने लगी थी। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो तुमको वह 8 बातें पता चल ही गई होंगी। वो अगर प्रत्येक मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी गरीब नहीं रहता। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे अभी भी नहीं पता चल पाया है, कृपया स्पष्ट बताने की कृपा करें। अब श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है देवर्षि नारद जी, मैं तुमको बताता हूं कि वह 8 बातें कौन सी है जिन्हें जानने के बाद मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता है। पहली बात, जो व्यक्ति रात्रि के समय रसोई में झूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीजों को बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी निर्धन हो जाता है। दूसरी बात, जिस घर में घर की स्त्रियों का अपमान होता है, स्त्रियों की इज्जत नहीं की जाती, उस घर में देवी लक्ष्मी ज्यादा दिनों तक नहीं रुकती। तीसरी बात, जिस घर की स्त्रियां सूर्यास्त होने के बाद अपने घरों में झाड़ू लगाती हैं, चूल्हा चौंका करती हैं, ऐसे परिवार के लोग बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर परिवार में पैसों की कदर नहीं की जाती, बेफिजूल कार्यों में पैसे बर्बाद किए जाते हैं, ऐसे घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। पांचवी बात, जो लोग पैसे आने के बाद में उस पैसे से दूसरों के मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं या फिर अपने धन के बलबूते पर दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी चली जाती है। छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जो अपने कार्यों को कल पर टालते रहते हैं, उन लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती है। सातवीं बात, जिस घर परिवार के लोग अपने से बड़े लोगों की इज्जत नहीं करते, अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते या फिर अपने से बड़ों से कटु शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी गरीबी का सामना करना पड़ता है, वह भी निर्धनता के हकदार होते हैं। आठवीं और अंतिम बात, जिस घर में परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, अपने मेहमानों का आदर भाव नहीं करते या फिर अपने दरवाजे से किसी भी मनुष्य को खाली हाथ लौटा देते हैं, ऐसे लोगों के यहां से भी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। अब जो भी मनुष्य इन 8 बातों को हमेशा गांठ में बांध कर रखता है, उसका भाग्य उसी तरह से उज्जवल हो जाता है जैसे राहुल का भाग्य उज्जवल हुआ। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा और उन 8 बातों के बारे में भी पता चल गया होगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे माधव, आपके आशीर्वाद से मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। आपका मुझे इस प्रकार का ज्ञान देने के लिए सत सत नमन मित्रों। इस प्रकार माया का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर ना जाने कब किसके लिए गरीब का द्वार खोल दे और कब किसके लिए अमीरी का द्वार खोल दे। इस बात को किसी को पता नहीं है। यह बात उस मनुष्य के समझ में भी आ जाती है कि पैसों के घमंड में आकर कभी भी किसी का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर एक लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल में डेली आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।